अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल राय दें। आइए देखते हैं इस समय की बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ में लगातार दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं पीड़ित बुजुर्ग को पीटा जा रहा है तो कहीं युवाओं पर इन दबंगों की गाज गिर रही है। ऐसा ही एक मामला कृष्णनगर थाना क्षेत्र का प्रकाश में आया है, जहां पर एक जिम के संचालक विवेक दिवाकर को कुछ दबंगों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया। 28 जुलाई की घटना बताई जा रही है, जहां पर पीड़ित जब कृष्णनगर थाने पर पहुंचे, उन्होंने तहरीर दी। आनंद फानंद में कृष्णनगर पुलिस ने उन दबंगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पीड़ित किस तरह से संतुष्ट है। विवेक जी, पूरा मामला क्या था, कैसे शुरुआत हुई, कौन है ये दबंग लोग? मेरा नाम विवेक दिवाकर है, मैं फिटनेस फैक्ट्री जिम पंडित खेड़ा में चलाता हूँ, जिसमें मैं सुबह का बैच संभालता था। अभी घटना से करीब 15 दिन पूर्व उन लड़कों ने शाम में मेरे पार्टनर अंकित कुमार राव से परमिशन ले करके सुबह का बैच ज्वाइन किया था। लड़कों को रुपेश यादव और सुधीर यादव, वो दो लड़के थे। ये दोनों लड़के प्रसादी खेड़ा के रहने वाले हैं। इन लोगों ने जिम में एडमिशन लिया था। अच्छा, एडमिशन के टाइम पर मुझसे इनकी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिस हिसाब से मैं इन्हें समझ पाता, तो मैं उनसे बात हुई थी। उसके बाद जब मैं उस वहाँ जिम में ही सोता था, सवेरे मैं 5 बजे जिम खोल देता था, मैं फ्रेश होने लगता था और उसके बाद लड़के आ जाते थे। ये लड़के सवेरे आते ही आते साउंड से अपना मोबाइल कनेक्ट करते थे ब्लूटूथ के ज़रिए, और भोजपुरी गाने और पुराने जिसमें मतलब सैड सॉन्ग टाइप में बजा देते थे। मैं जब निकलता था उसके बाद उन्हें गाना बदलने के लिए कहता था, लेकिन वो जो और लोग आते थे जिम में सुबह जिम करने, उनका भी विरोध था? जी बिल्कुल, उनका भी विरोध था, उन्हें भी पसंद नहीं था उन लड़कों का एटीट्यूड। मैं जब निकलता था उनसे, उनको देखता था, उनका बिहेवियर पसंद नहीं था। मैंने उनसे कहा एक दो बार कि गाने सही से बजाओ, लेकिन वो थोड़ी देर गाने सही करने के बाद फिर से उन्हीं गानों पर वापस आ जाते थे। जिम के मेंबर से भी बदतमीजी कर लेते थे कि इन गानों में क्या खराबी है और क्या है। मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन वो नहीं मानते थे। कुछ दिन बाद जब मैं खुद वर्कआउट करने जा रहा था, इस्तेफाक से ये लोग भी उस समय थे, ये कई दिन से ये कर रहे थे कि जब जिम के मेंबर भी इनका विरोध करने लगे थे इनके गानों का, बेटा भैया ऐसा है, सही से रहिए, सही चीज़ बजाइए, ये साउंड जाके खुद ही ऑफ कर देते थे और कहते थे अब साउंड बजेगा ही नहीं, जब मेरे गाने नहीं बजेंगे तो कोई और भी अपने गाने नहीं सुनेगा। तो इसका भी मैंने कई बार उनसे बोला कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी मैं माहौल को शांत रखने के लिए साउंड ऑफ रहना भी स्वीकार कर लेता था कि चलो ठीक है, माहौल शांत रहना चाहिए। उसके बाद 2-3 बार जब यह हुआ, जब मैं खुद ही साउंड बजाने गया, जब मैं वर्कआउट कर रहा था मैंने खुद ही साउंड बजाने गया, मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कराया तो इन्होंने जाकर साउंड मेरे सामने ही बंद कर दिया। मैंने फिर बोला क्या है तुमको, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब मेरे गाने नहीं बजेंगे तो किसी के गाने नहीं बजेंगे, साउंड ऑफ ही रहेगा। बड़ी अभद्र भाषा में उन्होंने ये बात मुझसे कही, तो भी मैंने कहा आप अपना ब्लूटूथ ले आइए और अपने गाने सुनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिम में हस्तक्षेप ना करिए। फिर मैंने साउंड बजाया और इन्होंने जाकर के वॉल्यूम एकदम से डाउन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इनसे बोला कि आपको क्या परेशानी है, क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, अगर साउंड नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, इस तरीके के शब्द थे। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने इनसे कहा अब ऐसा है आप लोग यहाँ से निकलिए। ठीक है, मैं मेरा जिम है। इन्होंने पहले तो इन्हें हो सकता है गलतफहमी थी कि ये जिम मेरा है, इन्होंने कहा मुझे निकालने वाले तुम हो कौन, ये तुरंत आवेश में मुझसे लड़ने आए। मैंने कहा मैं इस जिम का मालिक हूँ और ये जिम मेरे हिसाब से ही चलेगा। तो इन दोनों में से सुधीर यादव ने कहा भैया ऐसा है हमारी फीस वापस कर दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गया, मैंने इनकी फ़ीस उठाई, जो भी फीस इनकी वापस करनी थी मैंने इनकी वापस करी और ये लोग वहाँ से चले गए।
ऐसी कोई वहाँ घटना वारदात गाली गलौज कुछ उस जिम में नहीं हुआ था जिसकी वजह से इन्हें आवेश आया हो। ठीक है, वहाँ बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से मैंने इन्हें वहाँ से भेज दिया, फीस दे दी। उसके दो दिन बाद 27 तारीख को रात में मैंने अपना वहीं जिम से थोड़ी सी आगे एक काउंटर लगवाया हुआ था ताकि मेरा थोड़ा सा पैसा और आ सके, क्योंकि नया जिम था, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, EMI देनी होती थी। तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, वहीं पर एकदम से रूपेश यादव, सबसे पहले मोहित यादव नाम का एक शख्स जो रूपेश यादव का मित्र है, वो आया और उसने बदतमीजियाँ स्टार्ट करी और वहाँ पर 10 अंडे रोल का ऑर्डर दिया और बदतमीजी से नोटों की गड्डी फेंकी कि कितना चाहिए उतना रख ले, ये सब कहकर। उसके बाद मैंने उससे कहा, अरे भाई पैसे जितने हुए उतने ही लेंगे। वो बदतमीजियाँ करना वो स्टार्ट हुआ, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था ये ऐसा होगा। कुछ देर के बाद रूपेश यादव, पीछे एक बियर शॉप है उस गली से करीब 10 से 15 लड़के लेकर के उधर से निकले और दूसरी गलियों से, सामने एक गली से और बगल की रोड से करीब करीब टोटल 25 से 30 लड़के एकदम से आए। उन्होंने बताया जा रहा है कि किसी द्वारा उनका वीडियो भी बना लिया गया था। हाँ, 7 लड़कों का वीडियो एक गली से निकलते हुए उनका वीडियो बना था जिसमें लड़के नजर आ रहे हैं रॉड पाइप डंडे लेकर जाते हुए, कुछ लड़के मुंह भी बांधे हुए हैं। अच्छा, SC ST का भी जिक्र है क्या? हाँ, इन्होंने जाति सूचक गालियां दी थी वहाँ। जब रूपेश मुझे मार रहा था तो मार धोबी साले को मार साला झाटू धोबी इस तरीके से कर रहे थे, और ये मुझे जान से मारने की नीयत से ही आए थे क्योंकि बार बार इनके शब्द यही थे। एक्चुअली जब इन्होंने, रूपेश यादव ने पहले मुझे मारा तो मैंने अपने बचाव में उसका डंडा छीनने का प्रयास किया और तुरंत ही। विवेक जी, अभी भी इस मामले पर क्या किसी तरह की धमकी, क्योंकि 6-7 दिन पुरानी घटना बताई जा रही है, पुलिस भी इस मामले पर अपनी जांच विवेचना कर रही है, और किस तरह की घबराहट है परिवार में, किस तरह का डर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिल पाई है? मैं अभी थाने नहीं गया हूँ, जहाँ तक कि मैं, मेरे जो वकील हैं, मैंने जिनसे बात करी है तो उन्होंने मुझे बताया एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, दीपांशु यादव, शायद मुझे कन्फर्म नहीं है, वो भी छूट गया है, और मुख्य आरोपी वैसे भी गिरफ्तार नहीं है। खतरा तो है ही है, जब दूसरे लोगों से सुनने में धमकियां इस तरीके से आई हैं कि घर में बेटी भी है, माँ भी है, बाप भी है, अभी लड़का मार खाया है, आगे बाप मार खाएगा तो कैसा लगेगा, लड़की बहन है उसके साथ, कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तेजी के साथ उन्होंने FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया था, उसी तेजी से अगर गिरफ्तारी करके मुझे न्याय दिलाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है लखनऊ पुलिस पर भरोसा लोगों का बढ़ेगा। भरोसा बड़ी चीज़ होती है, जब भरोसा, आज अगर उन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध करने की कोशिश करी है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं कानून पर उन्हें भरोसा नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसों से सब चीज़ को खरीद सकते हैं, इसी कारण वो 25 से 30 लोग लेकर के मुझे अकेले पर उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि बार बार मारते हुए उनके शब्द यही थे कि इसे किसी तरीके से सिर पर मारो और इसे नीचे गिराओ, और मैं वहाँ गिरा नहीं, मैंने अपने सिर को अपने हाथों से प्रोटेक्ट किया रहा, जिसके वजह से इस हाथ में भी मेरे मसल के टिश्यू काफ़ी टूटे हुए हैं, ये वाला पूरा मसल फ्रैक्चर है पूरी तरीके से, ये हाथ पाँच से छः जगह से मसल फ्रैक्चर है, सिर्फ सिर बचाने की वजह से, वो सभी के सभी सिर और छाती पे ही मेरे वार कर रहे थे, कई बार उन्होंने पैरों पे भी वार किया, जिसकी वजह से राइट साइड में मेरे चेस्ट में 2 फ्रैक्चर हैं, लेफ्ट साइड में 1 मेजर फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से मैं अभी तो फिलहाल ये समझ लीजिए मेरा पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड था, 120 किलो की नॉर्मली मैं बेंच कर रहा था, अभी तो मैं 20 किलो भी नहीं उठा सकता हूँ, उन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया फिलहाल ये समझ लीजिए। पीड़ित दिवाकर के पिता हमारे साथ हैं, पिछले 6-7 दिन घटना को बीत चुके हैं, किस तरह का माहौल परिवार में बना हुआ है, लखनऊ पुलिस से आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं, बात करते हैं। सर, जैसा कि घटना हुई है, बड़ी घटना है, पुलिस की तरफ से क्या मदद मिल रही है, अभी किस तरह का डर बना हुआ है? सर, डर तो भयानक बना हुआ है, और मेरा बेटा तो अभी तक घर से, हॉस्पिटल से आने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। मेरी बेटी है जो BEd कर रही है, छोटी बेटी प्रियंका, तो पढ़ाई एक स्कूल में एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाने भी जाती थी, वो भी डरी हुई है, तो बाहर से धमकियां आ रही हैं,
तुम्हारे माँ भी है, बहन भी है, एक छोटा भाई भी है, आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा, क्या करोगे तुम? तो पैसे का भी दबाव बना रहे हैं, पैसा लेकर के राजीनामा कर लीजिए, ये कर लीजिए। नहीं, आजकल शूटर बहुत हैं, हम दबाव बना रहे हैं, और जो विपक्ष पार्टी वाले वो दबाव बना रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। चौकी कौन सी है सर आपकी? जी चौकी कौन सी है? चौकी विजयनगर पुलिस चौकी है। और आज लमसम मेरे ख्याल से 6-7 दिन होने जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पुलिस की हलचल समझ में नहीं आ रही है, ना ही तो पुलिस मेरे बेटे के बयान दर्ज करने आई। हॉस्पिटल में 5 दिन मेरा बेटा रहा, तब भी नहीं आई, तब भी पुलिस नहीं आई बयान दर्ज करने के लिए। और जो केस सही मायने में बनना चाहिए थे, जो वो सीने की हड्डियाँ टूटी हुई हैं मेरे बेटे की, तीन धाराएँ गंभीर नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पुलिस के द्वारा, देखिए वो एक कहावत है कि अमीर मारे और रोने न दे, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, स्थिति देख लीजिए हम लोगों के का हाल है, किस स्थिति में। ठीक है, रोइए नहीं, परेशान न होइए। तो लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार भी है पीड़ित परिवार की, माता और पिता दोनों काफ़ी परेशान हैं। पिता ने जहां बताया कि पिछले 7-8 दिनों में पुलिस की विवेचना के दौरान ना पुलिस अस्पताल पहुंची, ना अभी तक इनके घर पे पहुंची कि पीड़ित व्यक्ति का बयान नोट किया जाए। पीड़ित ने लखनऊ पुलिस से गुहार लगाई। तो ये थे पीड़ित दिवाकर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये जब अपने जिम का संचालन कर रहे थे तो किस बुरी तरीके से इनकी मार पिटाई की गई है, उसके साथ साथ लखनऊ पुलिस पर इन्होंने भारी विश्वास भी जताया है, और ये भी कहा है कि अभी कहीं ना कहीं उनसे डर का और भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो मुख्य अपराधी है, जो सरगना है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। कृष्णानगर पुलिस से, लखनऊ पुलिस से पीड़ित दिवाकर ने अपने परिवार के बचाव और उसके साथ साथ न्याय की गुहार लगाई। अब देखने की बात है कि कृष्णानगर पुलिस इन दबंगों को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि पीड़ित लगातार ये बता रहा है कि जान माल का भय बना हुआ है और पिछले 7-8 दिनों से परिवार अपने रोजमर्रा के काम को भी नहीं कर पा रहा है। सहयोगी वीर के साथ मैं लखनऊ से।